गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करेंट अफेयर के सेशन में। तो आज है 10 अप्रैल। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लासेज हो जा चुके हैं, तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। तो आज 10 अप्रैल के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, जैसा कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन की चर्चा चलेगी, उससे जुड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी जो जोड़ा गया है वो भी बताया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले। तो जरूर इस सेशन को करो, क्योंकि करेंट अफेयर आपका मैरिट डिसाइड करता है। तो यदि आने वाले समय में आपको एग्जाम में सेलेक्टेड होना है तो बिल्कुल करेंट अफेयर से जुड़े रहो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव की लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई। केरल से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है जो कि केरल ज्योति है, जो कि इस बार एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी का नामांकित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वीवीआई में आप लोग डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल की बात किया जाए, किसने लॉन्च किया, तो आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं कि हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में अडानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई शुरू की है। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश के वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। नेक्स्ट, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य में लंगरा आम को जीआई टैग मिला है। जैसा जीआई टैग वाले सेशन अभी तक आप लोगों ने नहीं करा है तो जाकर कर सकते हो, क्योंकि चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक वाले करेंट अफेयर के सेशन में डाल रखा है, तो ज़रूर कर लो इस क्लास को। यहाँ बात किया जा रहा है लंगरा आम को जीआई टैग मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। एससीओ की पहली पर्यटक और संस्कृति राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ़ करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते कि क्या है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया। यहाँ बात किया जाए प्रस्थान का, तो मुंबई में भारतीय नौसेना अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान मुंबई में लॉन्च आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया। सबसे भरा कच्चा तेल, तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा कि 6 महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। वहीं एफएटीएफ के रूस की सदस्यता रद्द की गई है। अक्टूबर माह में भारत की शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। FY 2023 के रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट में आप लोग को सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन सारा आसानी से कवरअप हो जाएगा। हाल ही में टायर निर्माता संगठन इटमा के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशुमान सिंघानिया। इससे जुड़ा हुआ कि यदि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के पूछा जाएगा कि MD कौन है, तो कैनिची उमदा।
टाटा पावर के प्रवीण सिन्हा, हीरो मोटर कॉर्प के निरंजन गुप्ता, एक्सी सिक्योरिटीज का प्रणव हरिदासन, एनडीटीवी का यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है, मतलब कौन से सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू किया गया, जो कि काफ़ी बार आपको एग्जाम में पिछले साल पूछा गया भिखारी मुक्त से पहल पूछा जाएगा कहाँ, तो नागपुर में। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा, पहली बार महिला प्रीमियर लीग नवी मुंबई में शुरू हुई है। 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद में मनाया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला का आयोजन मुंबई में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ई खरीद पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया, तो त्रिपुरा। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 9 to 9 शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की घोषणा किया। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में RBI ने रेपो रेट को अपवर्तित रखा है, जो वर्तमान रेपो रेट का क्या है, तो 6.5% है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि RBI का रेपो रेट यहाँ पे बताया जा रहा। हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट सफल परीक्षण किया है, जो कि अभी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन, तो ज़रूर याद करना। चीन देश की स्पेस कंपनी ने स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं। स्वर्ण निर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन की संसद में नए प्रीमियर रूप में ली क्यांग को नामित किया गया है। चीन ने संचार उपग्रह को झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है, चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन यांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती को 200वीं जयंती का समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो 200वीं जयंती का समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने कौसाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, कौसाम्बी महोत्सव अमित शाह ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने का पैनल बनाया, तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के नियम बनाने का पैनल शुरू किया गया। तो आज के क्वेश्चन का ये मतलब आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से, तो मछली। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रजाति वाला पूछा जा रहा और करेंट से जुड़ा हुआ ही प्रजाति आपको पूछे जाते हैं। तो सी लैम्प्रे किसकी प्रजाति है, तो मछली की। तो अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर रखा है, तो इसका छोटा सा एक रिविजन कर लेते ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसे गलती करके मत आना। यहाँ पूछा जा रहा था सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किसने लॉन्च किया, तो केरल ने। प्रभाव पोर्टल लॉन्च किसने किया, तो RBI ने। नेक्स्ट है, अडानी कंपनी लिमिटेड ने बिजली सप्लाई शुरू की है कौन से देश के साथ, तो बांग्लादेश। लंगड़ा आम का GI टैग UP सरकार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय नौसेना अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में। 6 महीने भारत का सबसे कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया, तो रूस बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो कि रिवीजन क्लासेस हैं। हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन एटीमा के नए अध्यक्ष कौन बन गया, तो अंशुमान सिंघानिया। उन्नत गुरुत्वाकर्षण डिटेक्टर तरंग कौन मंजूरी दिया, तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया, त्रिपुरा। RBI का रेपो रेट को परिवर्तित रखा गया, वर्तमान RBI का रेपो रेट का कितना है, तो 6.5% है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि स्पेस पायनियर ने तियानलोंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया कहाँ का, तो किस देश का स्पेस कंपनी, तो ये चीन की है।
स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि कौसाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है, तो अमित शाह ने किया है। वहीं ऐप आधारित टैक्सी सेवा के नियम बनाने का पैनल महाराष्ट्र सरकार ने। सी लैम्प्रेस का संबंध किस प्रजाति से है, तो मछली के प्रजाति से है। तो आज के 15 क्वेश्चन तो हो चुका है, उसका रिविजन भी हो चुका है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों को करेंट अफेयर का क्लासेस डाला जा रहा है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और पर डे 15 क्वेश्चन का शेड्यूल बना लो कि करेंट अफेयर का सेशन करना है, उसके बाद ही कोई सब्जेक्ट की तैयारी करना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट प्लस करेंट अफेयर आपका सब सही रहेगा तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ यदि सारे सब्जेक्ट के हेल्प के लिए अभी तक नोट्स आप लोगों ने नहीं लिया है तो नोट्स भी ले सकते हो, क्योंकि सारे नोट्स आप लोगों के बन चुके थे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ ज़रूर मिलती हूँ। तो थैंक यू।